हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बस हमने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया है। आज हमने वीडियो जो है वो किचन से स्टार्ट किया है। यहाँ बस मैं ना सब्जी बनाने जा रही थी लंच के लिए, और बस लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पे आपका गोभी आलू को फ्राई करके सब्जी बनाते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो बस मैं वही काम कर रही थी, बस मैंने कैमरा सेट कर लिया है और मुझे आज मार्केट भी जाना है, तो बस मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ, खाना वाना खा के जल्दी फ्री होके हम निकल जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू की सब्जी फ्राई करके। हर बार मैं मम्मी के वहाँ पे ही खाती थी, मैं फ्राई करके कम बनाती हूँ, बट आज मेरा मन वैसे ही है मम्मी के हाथ जैसी खाने का, तो इसलिए मैं फ्राई करके बना रही हूँ। तो बस अब मैं आलू लेके, आलू और गोभी जो है वो हमने कट कर लिए हैं। ठीक है, पहले मैं आलू फ्राई कर लूँगी फिर गोभी डालूँगी। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो वैसे वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, और फिर भी अगर आप बोलेंगे कि मैं दोबारा शेयर करूँ तो मैं ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, तब देख लेते हैं कि किस तरह से बनेगी। अच्छा, यहाँ ना मैं देखिए आप लोगों से बातें कर रही हूँ, लेकिन ना मतलब कभी कभी किचन में क्या होता है कि कबूतरों की आवाज़ और पता नहीं क्या क्या आती रहती है, और कुछ ना कुछ मतलब ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं कि फिर मुझे लगता है कि नहीं यार बैकग्राउंड में ना इस ज़्यादा सही नहीं लगती है, इस चक्कर में ना मैं उसको म्यूट कर देती हूँ। अब मैं किचन में काम करते करते आप लोगों से बात नहीं करा करूँगी, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना ही पड़ता है तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना, इसलिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने ना आलू फ्राई करने हैं। आलू फ्राई कर हो जाएंगे, सुई में आलू निकाल दूँगी। यहाँ मैंने साथ ही साथ टमाटर वगैरह कट कर लिया है, और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से। नहीं, अभी अदरक मैंने छीली है, अब मैं उसको ग्रेट करूँगी। तो यहाँ देखिए, आलू मेरे जब फ्राई हो जाएंगे ना तो मैं आलू निकाल लूँगी, उसके बाद मैं ऑयल भी बिल्कुल कम कर दूँगी, और बस फिर मैं जो गोभी है ना वो डाल के और ढक दूँगी, क्योंकि गोभी खाली फ्राई करने से वो अच्छे से सॉफ्ट होता नहीं है, उसको थोड़ा ढक के पका लें तो अच्छा रहता है, मतलब जल्दी हो जाता है। गोभी के साथ ये दिक्कत होती है। यहाँ बस देखिए, मैं अदरक घिस रही हूँ, अदरक और टमाटर वगैरह डालूंगी। अच्छा, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी तो बस मैंने ऐड नहीं करी है। सिंपल बनाइए, बट ना सिंपल मतलब अच्छी बन जाती है इस तरह से। गोभी आलू फ्राई करके मतलब ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सब तरह से बना सकते हैं, कई तरह से चीज़ें बनती हैं, देखिए है ना। हर बार टेस्ट चेंज करने के लिए अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना, तो टेस्ट चेंज हो जाता है उससे, बस यही है।
आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो यहाँ किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, हर बार रूम से यहाँ कहीं से भी स्टार्ट करती हूँ मोस्टली, बट आज मैंने किचन से स्टार्ट की है क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट सब्ज़ी। आप लोग कहेंगे अपनी फेवरेट बताती रहती है, भाई ये चैनल मेरा है तो मैं अपने बारे में ही तो बताऊँगी। तो यहाँ बस देखिए हमारी ना सब्ज़ी बन रही है, आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं, टमाटर और अदरक उसमें डालने के लिए तैयार है। यहाँ हमारी जो गोभी है ना वो मैं मतलब स्टीम में पका रही हूँ, क्योंकि अगर तेली तेल में पकाऊँगी ना तो वो थोड़ी सी मतलब अलग टाइप की हो जाती है, तो इसलिए मैं उसको इस तरह से पका रही हूँ। और बस इसमें थोड़ा सा ये 2 मिनट में हो जाएगा, फिर हम टमाटर ये निकाल लेंगे, टमाटर डालेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, टमाटर की ग्रेवी टाइप की बना लेंगे, ग्रेवी से मतलब कि थोड़ा सा भून लेंगे, कटे हुए टमाटर की उस वैसी ग्रेवी नहीं बनती है ऐसे। तो यही है, और आटा हमारा लगा हुआ रखा है क्योंकि 2 ही रोटी बनानी है तो वो बन जाएगी, और काम मेरा हो चुका है सारा, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए बस अब यही काम है, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, देखते हैं। अभी मूड मेरा सेट नहीं है क्योंकि जो काम है मेरे वो अभी हो नहीं पा रहे हैं, वो हो जाएंगे मुझे तब सुकून मिलेगा, क्योंकि अभी ना तो मैं आ रूँ और ना मैं पा रूँ, मैं 20 मिनट की बनी हूँ। ठीक है, चलिए आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। सब्जी देखिए हमारी बनके रेडी हो गई है, और कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। बहुत अच्छी लगती है इस तरह की सब्ज़ी, ड्राई ड्राई सी बनती है और मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है। अच्छा, ऐसी सब्ज़ी आप पूड़ी से या पराठे से खाएं ना तो और भी ज़्यादा अच्छी मतलब लगती है, टेस्ट उसका चौगना आने लगता है, बहुत अच्छी बनती है। बस सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है, अब बस मैं रोटी सेक लूँगी अपने लिए। बस ये मैं और मम्मी ना मार्केट जा रहे थे, मुझे कुछ सामान लेके आना था तो उसी वजह से, और हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग कॉलोनी में रहते हैं ना तो सिटी की तरफ मार्केट मतलब ज़्यादा समझ में आता है मुझे, तो यहाँ मुझे शॉप भी नहीं पता कि कौन सी कहाँ पे होगी, और ढूंढ भी लेती तो मुझे उन पर चीज़ें नहीं समझ में आती, तो बस पता है ये बस हम लोग ऑटो से जा रहे थे और मैं मार्केट में जाने के बाद कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। यहाँ आप देखिएगा ये मार्केट पूरा लगा रहता है, मतलब यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मिल सब कुछ जाता है, बट वही है कि समझ में नहीं आ पाता हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने उसे सिटी से ही लिया है तो सिटी का ही समझ में आता है। अच्छा, यहाँ वो वैरायटी या वो सब चीज़ें नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि मिल पाती हैं, मिल तो जाती हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं आती है, बस कुल मिला के देख लीजिए। हेलो गाइस, मैं बस अभी अभी मार्केट से आई हूँ, आके बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं और चाय पी है। अच्छा, मार्केट में जाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि पता है क्या, मैं जिस मार्केट में आज गई थी ना वहाँ ना थोड़ी सी भीड़ रहती है, हालांकि आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी हर बार के अकॉर्डिंग, बट उस मार्केट में ना लूट मार ज़्यादा होती ही है, मतलब थोड़ी भीड़ वाली मार्केट है ना, इसलिए तो इस वजह से ना मैंने वहाँ पे मतलब कैमरा है मतलब फ़ोन हाथ में निकाला ही नहीं, क्योंकि वहाँ कब हाथ में से छीन के ले जाएँ कुछ भरोसा नहीं है, इस वजह से जाना उधर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ जो मुझे लेना था वो वहीं मिलता, यहाँ आसपास मुझे जो जैसा मतलब चाहिए था वैसा नहीं मिलता, और बस लेके आ चुकी हूँ। और हम लोग गए थे 3-3:30 बजे गए होंगे, तो हम लोग आए हैं 5:30 बजे, तो 2 से 3 घंटे लग गए, ऑटो से गए थे, मैं एक्टिवा लेके भी नहीं गई थी, वही बता रही हूँ ना कि भीड़ में अगर एक्टिवा लेके जाओ तो फिर मार्केट नहीं कर सकते आप, 4 जगह से अगर कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आप ऑटो रिक्शा से चले जाओ, वही सही रहता है, उसमें टेंशन नहीं रहती कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें, वहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है क्योंकि वहाँ मार्केट ही छोटी है ना इस वजह से। और बस खाना मुझे नहीं बनाना, मन नहीं कर रहा, चाय पी ली अभी,
और मैं आप लोगों से लेट के बात कर रही हूँ, बस ऐसे ही। और आके बस मैंने चेंज किया है और मैं लेट गई हूँ, कोई काम नहीं, फ्री हूँ, बस सामान जो लाई हूँ उसको उठा के रखूँगी सेट करके, बस यही है और कोई काम नहीं है। ठीक है, और बस आज का यही कुछ हमारा रूटीन रहा। और जो भी मैं मार्केट, जितनी भी मैंने क्लिप शूट करी, बस ऑटो तक ही मैंने क्लिप शूट करी, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं करी। मार्केट में एंट्रेंस करने के बाद मैंने कोई भी नहीं करी, और जबकि मैंने सोचा था कि मैं करूँगी बट नहीं कर पाई। हो जाता है कभी कभी ना, क्योंकि अच्छा जिस शॉप से हमने लिया वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि अच्छा नहीं लगता है ना, फिर थोड़ा अटपटा और अजीब लगता है। चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वीडियो यहीं एंड करूँगी। तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।